और इसमें जो अभी हाल में आज रायपुर कलेक्टर ने प्रकाशन किया है कि गरबा डांडिया में भी यदि कोई नेता अधिकारी पहुंचते हैं और भाषण देते हैं तो वो चुनाव खर्चे में जोड़ा जाएगा, पर उसके स्पष्ट प्रावधान नहीं है। शराब की दुकानों के नियंत्रण को लेकर के स्पष्ट प्रावधान का अभाव है। और सबसे बड़ी बात कि चुनाव जिन बिंदुओं पर लड़ा जाना है उसके रूल्स रेगुलेशन क्या है, उसकी बुक अभी तक हिंदी में तैयार नहीं है। प्रत्याशी अंग्रेजी की बुक को और वेबसाइट से डाउनलोड करके कैसे चुनाव की तैयारी करेंगे, उसमें क्या सही है क्या गलत है, उसको कैसे समझेंगे, इस बारे में कोई भी स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है। और इसके लिए हमने मांग रखी है, पर उम्मीद नहीं है कि वो हिंदी की बुक फॉर्म भरने के समय तक दे पाए। भारतीय जनता पार्टी और उनकी बी टीम है, उनके बीच का झगड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने पिंक बूथ पर कोई बात नहीं की क्योंकि ये तो महिलाओं का कलर है। शराब का चूंकि सरकार बेच रही है उस पर यहाँ पर आपत्ति हुई है, पर उनका कहना है कि वो हमारे अब नियंत्रण में, देखते हैं वो कितना नियंत्रण में है। देखिए ये तो मिली जुली साजिश है। हम लोगों ने तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये मांग ही रखी थी कि पूरे छत्तीसगढ़ की केवल 90 विधानसभा सीट है, इसलिए एक चरण में ही चुनाव होना चाहिए। देखिए मध्य प्रदेश में एक चरण में चुनाव है 230 सीट, 222 सीट राजस्थान में एक चरण में चुनाव है, तो फिर 90 सीट के चुनाव के लिए यहाँ पर दो चरण की बात सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी को ओबलाइज करने के लिए। और ये तो भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर एक करारा तमाचा भी है कि जो कहते हैं कि हमने नक्सल मुक्त कर दिया, अब आप देखिए पूरा केंद्र ये मान रहा है कि छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जिसमें दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है।